हे शक्य आहे परिवर्तन शिक्षणातून समृद्धीकडे। इस ब्रीदवाक्य के साथ शिक्षा क्षेत्र में एक नए बदलाव के साथ काम करने वाले पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने की संकल्पना से राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय नवी मुंबई के एक आदर्श स्कूल बनकर साबित हुआ है। शिक्षा को सरल रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने साथ ही निजी स्कूलों के छात्रों को टक्कर देने के लिए पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने के नेतृत्व में राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय द्वारा राज्य में पहली बार कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए परिवर्तन शालेय स्पर्धा परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया था, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने। साथ ही उपस्थित थे केंद्र समन्वयक रमेश तेली, मुख्य अध्यापिका रंजना वंशा, मुख्य अध्यापक अमोल खरसामले, स्नेहल विषय, अविनाश जाधव, संजय मोरे आदि तमाम शिक्षकगण। बता दें कि परिवर्तन शालेय स्पर्धा परीक्षा 2024 में कक्षा 1 से 8वीं तक के कुल 293 छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें से 188 छात्र उत्तीर्ण हुए, 40 छात्रों ने टॉप 5 पर अपनी जगह बनाई। ऐसे में महानगर पालिका शिक्षकों की मौजूदगी में सभी मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और आकर्षक ट्रॉफी देकर विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों संग सम्मानित किया गया। बता दें कि नवी मुंबई में पहली बार परिवर्तन शालेय स्पर्धा परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल विद्यार्थियों को नई प्रेरणा, सफलता प्राप्त करने का आत्मविश्वास, पढ़ाई की एक नई दिशा, व्यक्तिगत विकास, स्मरण शक्ति बढ़ाने, परीक्षा में सामने जाने का आत्मविश्वास मिलेगा। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला प्रतियोगिता में भी ठाणे जिले का पहला पुरस्कार जीतकर राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय के छात्रों ने अपने नाम का डंका बजाया है। ऐसे में महानगर पालिका स्कूल को मिले इस सम्मान को लेकर सुधाकर सुनावने ने मनपा आयुक्त का बड़ा योगदान करार देते हुए हाल ही में उनका एरोले के विधायक गणेश नायक की मौजूदगी में विशेष तौर पर सम्मान किया। बता दें कि नवी मुंबई मनपा आयुक्त राजेश नार्वेकर ने इस दौरान रबाल स्कूल में छात्रों के इस परिवर्तन शालेय प्रतियोगिता की सराहना करते हुए कहा कि रबाल पैटर्न को संपूर्ण नवी मुंबई में भी लागू किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान जहां विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी कम नहीं थी, वहीं अपने बच्चों को मिली सफलता को देख अभिभावक भी बेहद भावुक नजर आए। इस दौरान नवीनबी नेटवर्क से बात करते हुए सुधाकर सुनावने ने इस परीक्षा के आयोजन का मकसद बताया। आज परिवर्तन स्पर्धा परीक्षेचा बक्षीस वितरण समारंभ एवढ्या उत्साहामध्ये साजरा झाला ते बघून खरंच मला खूप आनंद झालेला आहे। ज्या उद्देशाने हे काम सुरू केलेलं आहे ते ह्या महिन्यामध्ये आम्हाला दोन दोन मोठे आनंद आणि आनंदाच्या बातम्या या ठिकाणी मिळालेल्या आहेत। काळजी छत्रपती शाहू महाराज विद्यालयाला या ठाणे जिल्ह्यामध्ये प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक माझी शाळा सुंदर शाळा मुख्यमंत्री शाळा हे मिळालेलं आहे आणि आज स्पर्धा परीक्षेमध्ये 183 विद्यार्थी हे आमचे पात्र झाले, त्यांनी आउट ऑफ मार्क पाडले आणि त्यामुळे ही मुलं निश्चितपणे राज्य सरकार जी घेत आहे ती जी स्कॉलरशिप आहे त्याच्यामध्ये उत्तीर्ण होतील आणि त्याचा लाभ त्यांना त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी शिक्षणासाठी होईल याची मला खात्री आहे। त्याबद्दल मी सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सर्व शिक्षकांचं मनपूर्वक आभार मानतो। वही अभिभावक भी इस दौरान अपनी खुशी रोक ना पाए और उन्होंने इस उपक्रम और उनके बच्चों का भविष्य बदलने के लिए सुधाकर सुनावने का आभार प्रकट किया। परिवर्तन स्पर्धा परीक्षेमध्ये मुलांना खूप छान म्हणजे असं मोटिवेट केलं सरांनी, शिक्षकांनी, सर्व शिक्षकांनी खूप प्रयत्न केला। पुढे जाऊन या परीक्षेत मुलांना आत्मविश्वास वाढेल आणि सुधाकर संभाजी सरांनी पण खूप प्रयत्न केला आणि त्यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला, खूप मुलं उत्तीर्ण झाली। पुढे जाऊन स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी वगैरे त्यांना आत्मविश्वास वाढेल सर्व शिक्षकांना व संभाजी। ब्युरो रिपोर्ट, नवींबी नेटवर्क।